आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि दोनों पैर के तलों में जो झुंझुनाहट होती है, जलन होती है, ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये जो जलन होती है पैर के तलों में, वो क्यों होते हैं, कौन से रीजन से होती है, फिर कौन सी दवाई है उसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। तो डिटेल में स्टडी करते हैं आज के लेक्चर के अंदर कि जो दोनों पैर के तलों में जो झुंझुनाहट होती है, जलन वगैरह होती है, तो ये क्यों होती है और कैसे यह प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके हम बेसिक के बारे में समझे, तो मेडिकल टर्म्स के अंदर उसको बर्निंग फीट कहा जाता है, कि जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो फीट होते हैं, पैर के जो तलवे होते हैं, वहां पे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं, एज वेल एज टिंगलिंग जैसा वहां पे आपको फील होता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो फीट का रीजन होता है नीचे का, तो ये रीजन में स्पेशली आपको जो है वो जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है, और झुंझुनाहट होती है, कि जिसको हम शॉर्ट में टिंगलिंग होता है ऐसा कहते हैं। तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पैर के तलवे हैं वहां पे आपको जलन होती है, तो ये एक मेन सिम्टम है ये प्रॉब्लम का, कि जिसको हम कहते हैं कि बर्निंग सेंसेशन जैसा होना फीट के अंदर। सेकंड सिम्टम्स हम देखें तो टिंगलिंग जैसा फील होता है, कि जो तलवे है वहां पे आपको झुंझुनाहट जो है वो होती है। तीसरा सिम्टम हम यहाँ पे देखें तो नीडल प्रिक जैसा आपको फील होता है, कि जैसे कि सुई चुभने जैसा एहसास होता है, और कई बार हल्का सा दर्द भी रहता है वहां पे, कि जैसे कि कुछ बार वहां पे लॉस ऑफ फीलिंग जैसा फील होना, नंबनेस जैसा फील होता है, बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग, तो ये मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर आप जानते हैं उसके रीजंस वगैरह क्या है, तो सबसे पहला रीजन यह है कि जो हमारे लेग्स होते हैं या फिर जो हमारे फीट होते हैं, वहां के जो एरिया के जो न्यूरॉन्स होती है वो वीक होने लगी है, या फिर वो न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होने लगे, जिसको हम नर्व डैमेज कहते हैं। तो न्यूरॉन्स के डैमेज के कारण ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सेकंड रीजन हम यहाँ पे देखें तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का जो प्रॉब्लम होता है, कि जिसके अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होती है उन एरिया में जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस होता है, और उसके कारण आपकी जो न्यूरॉन्स होती है वो डैमेज होने लगती है, जिसको सिंपल हम कहें तो न्यूरॉन्स का जो है वो डैमेज होना, और न्यूरॉन्स के डैमेज होने से भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, कि जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर। तीसरा रीजन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये वह फर्स्ट वाली जो ये न्यूरॉन है वो प्रॉपर हेल्दी न्यूरॉन है, नॉर्मल न्यूरॉन है, पर नीचे वाली आप न्यूरॉन देखो तो वहां पे जो उसका एक्सॉन का जो भाग होता है, तो वहां पे जो मायलिन है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और इस तरह से न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होने लगती है, कि जो डायबिटीज के पेशेंट के अंदर ये धीरे धीरे आगे जाके होने लगता है, कि जिनका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल में नहीं रहता, शुगर लेवल काफी ज्यादा हाई रहती है, तो उनको आगे जाके ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम होते हैं। और ये न्यूरोपैथी में एक सिम्टम्स होता है कि आपके पैर के जो तलवे होते हैं वहां पे जलन होती है, झुंझुनाहट वगैरह होती है। फिर चौथा रीजन है कि कोई पर्सन काफी ज्यादा शराब पीता है, काफी हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग करता है, तो उसको भी आगे जाके ये प्रॉब्लम जो हो सकता है बर्निंग फीट का। पांचवा रीजन हम देखें तो विटामिन की डेफिशिएंसी, और उसमें भी स्पेशली हम देखें तो जो विटामिन B12 है, B5 है, B6 एंड B9 जैसे जो विटामिन है उसकी आपके शरीर के अंदर कमी है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर छठा रीजन हम देखें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि पोषक तत्वों की कमी है, तो ये स्पेशली होती है डाइट में से, कि आप प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं लेते तो जो न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिलते, और न्यूट्रिशंस ना मिलने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको अच्छा हेल्दी डाइट लेना चाहिए, कि जिससे यह प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। नेक्स्ट जो रीजन है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि जो अंडर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड हम कहते हैं, कि जो आपके थायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर मात्रा में थायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं कर रही, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। फिर जो TTS का जो प्रॉब्लम हम कहते हैं, कि जिसको मेडिकल टर्म में टार्सल टनल सिंड्रोम कहा जाता है, और उसमें स्पेशली क्या होता है कि न्यूरॉन होती है और टार्सल टनल के अंदर जो पोस्टेरियर और टीबियल नर्व होती है वो अच्छे से काम नहीं करी, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगी है, तो भी आपको ये सिम्टम जो है वो डेवलप होता है, कि जिसके अंदर आपके तलवों में जलन होती है, दर्द सा महसूस होता है, झुंझुनाहट वगैरह होने लगती है। नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी डिसीज के जो पेशेंट होते हैं, जिनके किडनी धीरे धीरे खराब होने लगी है, और GFR की जो वैल्यू है उनके रिपोर्ट में काफी कम आ रही है, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ना एक और रीजन हम देखें तो जो HIV/AIDS के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी ये सिम्टम देखने को मिला है, बिकॉज उसकी जो दवाइयाँ होती है उनके साइड इफेक्ट के कारण भी पैर के तलवों में जलन होती है।
तो अब बात आती है कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए, कि यह प्रॉब्लम का जो निदान है वो किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो जरूरी है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करना कि पास्ट में उनसे कौन सी दवाइयाँ यूज की थी, कौन सी बीमारी है उसको। तो प्रॉपर जब पेशेंट काउंसलिंग होता है तो वहां पे आपको रीजंस वगैरह पता चलते हैं ये प्रॉब्लम होने के। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन वहां पे काफी जरूरी बनता है कि स्पेशली आप जहां पे जलन हो रही है वो एरिया में प्रॉपर एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उससे जो है वो रीजन पता लगा सकते हैं आप। तीसरा, जब पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है कि जब आप उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस वक्त ये पता चलता है कि कौन से रीजन से प्रॉब्लम हो रही है। फिर ब्लड एंड शुगर, ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसका टेस्ट कराना जरूरी है, कि जिसको हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं या फिर यूरिन के अंदर भी कितनी शुगर आ रही है वो भी टेस्ट कराना जरूरी है। बिकॉज जैसे हमने देखा कि डायबिटीज के जो पेशेंट के अंदर भी एक सिम्टम डेवलप होता है, और कई बार कुछ लोगों को पता भी नहीं होता उनकी शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगती है, तो उस वक्त जरूरी है कि उसका शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर टेस्ट करके चेक करना, कि जिससे एक रीजन हमें पता चले। फिर अब बात आती है ट्रीटमेंट की, कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो ट्रीटमेंट के हम अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो ठंडे पानी के अंदर जो वो पैर को रखना है, कि जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टब के अंदर आपको अच्छे से पानी भरना है, और फिर आपके पैर जो दिन में 2 या 3 बार उसके अंदर रखने होते हैं, कि जिससे आपको जो है वो काफी राहत मिलती है ये प्रॉब्लम के अंदर। तो जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड वाटर बाथ लेना स्पेशली फीट के लिए। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन बनता है कि उसी पानी के अंदर अब आप डालते हैं इप्सम सॉल्ट, कि जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट जो कहा जाता है, कि उसको आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, और फिर सेम आपके पैर जो उसके अंदर रखने हैं, कि जिससे भी ये प्रॉब्लम के अंदर काफी ज्यादा जो है वो राहत मिलती है, और ये दिन में 1 बार या फिर वीक में 1 बार आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बनता है कि उसी तरह से जो एप्पल साइडर विनेगर आता है उसका जो सॉल्यूशन होता है, कि ये समझे कि आप 1 ml जितना या फिर 10 ml जितना लेते हैं, और उसको थोड़े से पानी के अंदर या फिर टब के अंदर या फिर कोई बॉल के अंदर आप मिक्स करते हैं, और फिर उसके अंदर आपके पैर जो वो भिगोते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और ये जो है वो वीक में 1 ही बार करना चाहिए, ज्यादा बार आपको ये प्रोसेस जो है वो नहीं करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखें कि टर्मेरिक की पेस्ट है वो आपको लगानी है, कि जो तलवों के आसपास है और ऊपर का जो भाग है वहां के हल्दी जो है टर्मेरिक है उसकी पेस्ट वहां पे लगानी है, कि जिससे भी ये प्रॉब्लम जो वो सॉल्व होने लगता है। पांचवा ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो फुट की अच्छे से केयर करने के लिए आपको क्या करना है, कि एक क्रीम आती है फुट केयर क्रीम करके आता है हिमालय के, जिसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट स्पेशली टर्मेरिक और उसके अलग अलग एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी आप वहां पे तलवों में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन के, कौन सी दवाइयाँ जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शन है वो आपको देख लेने के, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 10 ऑप्शन बताए तो 10 से 10 टेबलेट पेशेंट लेता है, उसमें से कोई एक ही लेनी होती है, पर अच्छे से आप अलग अलग ऑप्शन को देख लें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो है मैकोनर फॉर्ट के टैबलेट का, कि जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की जा सकती है, कि जिसका डोज रहता है कि 1 कैप्सूल लेनी होती है पर डे, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक ये पेशेंट जो है वो ले सकता है, कि मान लो 30 दिन तक, 60 डेज तक या फिर उससे भी ज्यादा समय तक ये कैप्सूल जो है वो पेशेंट खा सकता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्टीन्यूरॉन फॉर्ट के टैबलेट है, कि जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 रहते हैं, कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक स्पेशली रीजन बनता है कि जो न्यूरॉन्स कमजोर होने का विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ये टैबलेट्स। तो उसका भी डोज सेम रहेगा कि 1 टैबलेट जो दिन में 1 ही बार लेनी होती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है न्यूरोबियन फॉर्ट के टैबलेट का, कि वो भी सेम डोज में ली जाती है। फिर चौथा ऑप्शन हम देखें तो न्यूरोबियन प्लस की भी टैबलेट आती है, कि अगर आगे वाले मेडिकेशन आपने ट्राई कर ले फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो एक ये ऑप्शन बनता है न्यूरोबियन प्लस के टैबलेट का, कि जिसका डोज रहता है 1 टैबलेट दिन में 1 ही बार लेनी होती है। पांचवा ऑप्शन है वहां यहाँ पे मैक्सीएलए के कैप्सूल्स का, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर गामा लिनोलिक एसिड रहता है, मैकोबलामाइन है, विटामिन सी वगैरह है, कि जो स्पेशली न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए जो जो जरूरी कंटेंट वगैरह है वो यहाँ पे जो है वो दिए हुए हैं। फिर छठा ऑप्शन है न्यूरोकाइंड गोल्ड के जो कैप्सूल्स आते हैं, कि यहाँ पे देख रहे हैं जिसके अंदर मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स रहते हैं, कि जो स्पेशली न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए जरूरी, कि जो यहाँ पे हमने सिम्टम्स देखे वो हो रहा है तो उसके लिए ये कैप्सूल भी काफी यूजफुल साबित होता है। फिर अगर टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा पेशेंट को, तो आईवी थेरेपी या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए न्यूरोबियन फॉर्ट का इंजेक्शन आता है, पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी
ये इंजेक्शन को आईवी में लगाया जाता है, तो प्रॉपर जो है उसको डाइल्यूट करके ही लगाया जाता है जब भी आईवी में लगता है। और एक वीक में सिर्फ एक ही इंजेक्शन जो है वो लगाना चाहिए। मल्टीपल इंजेक्शन लगाने से साइड इफेक्ट या फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बिकॉज एक्सेसिव विटामिन से भी साइड इफेक्ट्स होती है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। फिर इसी का एक अलग ऑप्शन बनता है, वो है न्यूरोकाइंड गोल्ड के इंजेक्शन, जिसके अंदर पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, निकोटिनामाइड है और मैकोबलामाइन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये भी सेम तरीके से लगता है, वीक में एक ही बार ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। फिर आगे ऑप्शन बनता है कि अगर न्यूरॉन्स के कारण पेन भी हो रहा है आपको काफी ज्यादा, कि तलवों में जलन भी हो रही है और झुंझुनाहट के साथ साथ वहां पे दर्द भी रहता है, कि जैसे हमने बात की सुई चुभने जैसा एहसास होता है, काफी ज्यादा दर्द भी रहता है वहां पे, तो उस वक्त ये रेसनर प्लस के टैबलेट जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर रहता है प्रेगाबालिन रहता है, नॉरट्रिप्टेलाइन रहता है और मिथाइल कोबालामाइन रहता है, कि जो विटामिन B12 है। तो इसका जो डोज रहता है खासकर एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो है वो यूज की जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर वो कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना, तो प्लेन ऑप्शन में भी रहता है प्रेगाबालिन 75 mg में, कि ये प्रिगालिन करके यहाँ पे आप टैबलेट देख सकते हैं 75 mg के। तो एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर दो बार हर 6 या 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे ली जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है गाबापेंटिन का, कि जो 100 mg के टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो भी सेम डोज में ली जाती है, कि एक टैबलेट दिन में एक या फिर दो बार और दो टैबलेट्स के बीच में एटलीस्ट 6 या 8 घंटे का टाइम इंटरवल रखना जरूरी बनता है। फिर अगर काफी ज्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो टॉपिकली एक्सटर्नली ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे कि एरी गाबा ऑइंटमेंट है, या फिर उसके ऑप्शन में दूसरा रहता है प्राइलॉक्स करके रहता है, कि जिसके अंदर लिग्नोकेन और प्राइलोकेन खासकर रहता है, और ये दिन में 2 या 3 बार पेशेंट जो वो लगा सकता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो सबसे पहले कोई ऐसे टैबलेट की जिसके अंदर B12 वगैरह है, B5 है, B6 वगैरह विटामिन है, तो उसके लिए मैकोनर फॉर्ट का एक ऑप्शन रहता है, तो ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है। अगर ये से भी ठीक नहीं होता, जो दूसरा ऑप्शन हमने देखे थे काफी सारे, जैसे कि न्यूरोबेन फॉर्ट है, मैक्सजीएलए है, न्यूरोकाइन गोल्ड है, तो उसमें से कोई भी एक प्रिस्क्राइब की जा सकती है। सेकंड साथ में समझे कि आईवी थेरापी भी देनी है या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो वीक में एक बार इंजेक्शन लगाया जा सकता है, न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन। फिर तीसरा ऑप्शन बनता है कि अगर पेन भी हो रहा है, तो उस वक्त आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेसनर प्लस टेबलेट। अगर पेन वगैरह नहीं है, तो उस वक्त ये तीसरा ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं रहती। और एरिगाबा ऑइंटमेंट भी सिमिलर तरीके से, अगर पेन हो रहा है, दर्द काफी हो रहा है, तो ही ये लगन ये देना चाहिए, वरना ऊपर के दो ऑप्शन से भी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है।